ट्वेल्थ क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम दिन पे दिन नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए आज हमने इस चैनल पर अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया है फिजिकल केमिस्ट्री में। सॉलिड स्टेट थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा उसमें कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आगे वीडियो में हम इसको भी बनाएंगे। तो आज हम इस चैनल पर सिस्टेमेटिक फॉर्म में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो भी क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है, ध्यान रखिए। कैसा सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है? हम यहां जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं रिपीट करके कहूंगा आपसे क्लास 12th, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है उसे हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? अब क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूशन होता है मोस्टली वो टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या है? जिसकी स्मॉलर क्वांटिटी हो। कैसी क्वांटिटी हो? स्मॉलर क्वांटिटी में होता है उसको हम जो है सॉल्यूट के नाम देते हैं, और जो बिगर क्वांटिटी में होता है, ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उसे हम जो है किसका नाम दे देते हैं? सॉल्वेंट का नाम दे देते हैं। बात क्लियर हो गई कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास बन जाता है सॉल्यूशन। शॉर्ट में इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज और याद रखिए, सॉल्यूशन जो होता है, ये जो सॉल्यूशन है होमोजेनस है। सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजेनस। अब ये भी थोड़ा सा बढ़ आ जाता है तो हम पूछते हैं कि होमोजेनस और भाई हेट्रोजेनस क्या है? तो इसमें एक अपना आइडेंटिफिकेशन इसके अलग है। होमोजेनस क्या है? होमोजेनस सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो यूनिफॉर्मिटी होता है। ध्यान रखिए कैसा होता है? यूनिफॉर्मिटी, यानी ऑल डायरेक्शन में सेम होता है, यूनिफॉर्मिटी। और जो नॉन यूनिफॉर्मिटी होता है उसे हम हेट्रो सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये भी हेट्रोजेनस भाई, यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? सपोज कीजिए मैंने कोई शरबत बनाया, चीनी घोलकर और जल घोलकर उसे अच्छी तरह से बनाया, अब उसकी ऊपर लेयर से मैं चम्मच से उसमें से ले लू या नीचे से ले लू, ध्यान रखना, मैंने शरबत बनाया, चीनी को घोल कर अच्छी तरह से ऊपर से चेक किया, टेस्ट लिया उसका, और अंदर से टेस्ट लिया, सब जगह उसका टेस्ट क्या होगा? सेम होगा। तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी सॉल्यूशन। और हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी सॉल्यूशन, पता पड़ा कोई हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन मिक्सचर आ गया, जैसे मान लीजिए मिक्सचर नमकीन होती है, वो भी मिक्सचर है, वो भी एक सॉल्यूशन का काम कर रही है। तो उसमें क्या है, पता पड़ा कि उसमें बादाम ऊपर है नीचे नहीं, काजू ऊपर हो गए हैं नीचे नहीं, तो उस सॉल्यूशन को हम जो है नॉन यूनिफॉर्मिटी सॉल्यूशन कहते हैं। बात क्लियर हो गई? आगे, और इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो हमें समझना है कि सॉल्यूशन में हमें आखिर पढ़ना क्या है भाई। तो वो चीज ये बोर्ड के स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चे विशेष ध्यान दें कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। तो इसमें हमें पढ़ना है कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और उनको स्टडी के लिए, कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म्स हैं उनकी स्टडी के लिए और उसको समझने के लिए हम कुछ चीजें आपको यहां बता रहे हैं। देखिए हमको इसमें पढ़ना है वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर हमको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, जैसे हमने कहा हेनरी रूल्स, इसमें हमें पढ़ना है राउल्ट रूल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राउल्ट रूल्स पढ़ना है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो एंटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमें अच्छी तरह से समझना है। तो मैं यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए हम पढ़ेंगे रिलेटिव लवरिंग लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग जो है ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन जो है आपके ये। इसके अलावा इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और इसके बाद भी इसमें वांट हाफ फैक्टर आ जाता है लास्ट में, वांट हाफ फैक्टर। मेरी बात समझ रहे होंगी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके अलावा एक और है मोल फ्रैक्शन। ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि इनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ वर्ड हैं जैसे मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। और इसमें मैंने बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो आप जो है, अब मैं आगे कॉन्सेंट्रेशन के विषय में आपको बताता हूं। देख लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक आप देख रहे हैं कि इन टॉपिकों को हमें पढ़ना है। तो थोड़ी सी मैं आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करता हूं। देखिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं, क्या है कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन हमें पढ़ना है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट Dissolve in per liter, or in per weight of solvent, in per weight of solvent is called concentration। तो ये बच्चे ध्यान रखें, देखिए आप देख लीजिए अच्छी तरह से। दोबारा मेरी बात सुन लें, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन। यानी क्या मतलब है इसका, कि सॉल्यूट की जो मात्रा पर लीटर विलयन में डिजॉल्व की जाती है या फिर उसे सॉल्वेंट के पर केजी में डिजॉल्व किया जा रहा है, तो इसको हम जो है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता हिंदी में कहते हैं, का नाम देते हैं। अब कंसंट्रेशन का अपना एक स्टेप होता है, कहां कहां में स्टडी करनी है इसकी, तो वो चीज मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। कंसंट्रेशन में टेम्परेचर दो टर्म में हम इसकी स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन की। फर्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ध्यान रखिए क्या है, टेम्परेचर
डिपेंडेंट डिपेंडेंट, और एक होता है टेम्परेचर इनडिपेंडेंट, यानी एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और एक टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है। तो ध्यान रखिए जो वॉल्यूम है आपका वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, सॉरी करता है, और जो मास है आपका, वेट है आपका, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आपने देखा होगा किसी चीज को हमने हीट किया तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए मास है, अब गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है तो क्या आपका मास बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा? तो कहने का अर्थ है कि मास या वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब बात यह आती है कि इनमें हम किसकी स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा वो चीजें जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इनमें आप स्टडी करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम यानी वीवी, परसेंटेज वेट यानी डब्ल्यू डब्ल्यू, समझ में आया, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, और करेंगे हम इसी में स्टडी करेंगे मोलैरिटी, स्टडी करेंगे नॉर्मेलिटी, समझना। इन केवल वॉल्यूम वाला केस यानी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन है उनके मैं यहां नाम लिखवा रहा हूं। इसके बाद पीपीएम, देखा पीपीएम हमने जो स्टडी करनी है, ध्यान रखना पीपीएम वॉल्यूम केस में वीवी वीवी कर सकते हैं या डब्ल्यू अपॉन वी कर सकते हैं, पीपीएम पर पार्ट मिलियन, और इसके अलावा फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी समझ में आया, फॉर्मेलिटी। तो मोस्टली क्या है इनकी स्टडी हम किसमें करते हैं, ध्यान रखिए किसमें कर रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट किस में जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है आपका परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ध्यान रखिए डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, और इसके अलावा मोल फ्रैक्शन इसमें आ जाता है, मोल फ्रैक्शन जिसे हम एक्सिस प्रदर्शित करते हैं, मोल फ्रैक्शन और डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। इसके अलावा हम मोलरिटी की भी स्टडी इसमें करते हैं, और भी पीपीएम, तो ये जो पीपीएम है पर पार्ट मिलियन केजी में है, यानी के पर हम कह सकते हैं इसको डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो आपने देखा कंसेंट्रेशन की जो हमें स्टडी करनी है उसमें मैंने बताया टेम्परेचर डिपेंडेंट ये चीज होती है, और जो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है वो ये होती है। देखो क्लियर हो गया पॉइंट, कंसेंट्रेशन क्या है और उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं। तो दो प्रकार का है, दो प्रकार से हमें इसकी स्टडी करनी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक बात और यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मान लीजिए इधर की केस को आपको इधर चेंज करना है, चेंज करने के लिए हम स्टडी करते हैं डेंसिटी, डेंसिटी हमें इंटरचेंज करना है मोलरिटी। देखिए इनमें तो कोई बात नहीं है, इनमें आपस में चेंज कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मोलरिटी को मोलैरिटी में चेंज करेंगे तो हमें डेंसिटी की आवश्यकता होगी। तो यहां डेंसिटी हमको निकालनी होगी इंटर कन्वर्जन के लिए, यानी आपस में अदला बदली के लिए, किसमें मोलरिटी नॉर्मेलिटी, इनको यदि मोलरिटी में देना है तो डेंसिटी की आवश्यकता हमको होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके फॉर्मूले बता देता हूं जिससे आप थोड़ा स्पष्ट हो जाए देख लें इसको। अब आगे के पॉइंट में आपको बताता हूं जो कॉन्सेंट्रेशन है इसमें आने वाले जो टर्म है उनके फॉर्मूले में आपको बताता हूं। अभी हमने इसमें जो टर्म आ रहे हैं वो आपको परसेंटेज, सबसे पहले टेम्परेचर वाले बता देता हूं आपको, वी अपॉन वी एंड डब्ल्यू अपॉन वी, ये हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और इसके लिए फार्मूला मैं आपको बताता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी अपॉन वी परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ध्यान रखना ml में है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले की हेल्प से ये भी ml में आप जो इसकी परसेंटेज यानी वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वेट निकालना है डब्ल्यू अपॉन वी, तो केवल क्या कर देना आपको कि ये तो सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉरी वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे
मास या वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फार्मूला हमारा इसका निकल देख लें। क्लियर हो गया, ये टर्म हम बता रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसी में आगे में चलता हूं, मोलैरिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मोलैरिटी देखिए आप कंसंट्रेशन के टर्म में आगे चलते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है कि आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन इसको मैं शॉर्ट में कह सकते हैं एन अपॉन वी लीटर, मोलैरिटी को कैपिटल एन से। अब यहां से एन आपको निकालना है तो ये मास अपॉन मोलर मास, मास को हम कहते हैं मास या वेट ऑफ सॉल्यूट कह सकता हूं उसको, इसको वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखिए वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि W, और मोलर मास इसको एम नॉट से प्रदर्शित करते हैं, एम नॉट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू यदि यहां रखते हैं फॉर्मूले में तो एम यानी मोलरिटी इक्वल टू W अपॉन एम जीरो इंटू वी है, ये फार्मूला हमारा मोलरिटी का आ जाता। देख ये फार्मूला मोलरिटी का आ गया, इसके आप देख लेंगे। और यहीं पर मैं आपको एक फार्मूला और बता देता हूं, यदि लीटर यहां से हटा दिया जाए, ml कर दिया जाए तो w अपॉन m नॉट इनटू v ml कर दिया जाए तो 1000। ये फार्मूला और नया निकला है, यहीं पर मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हिंदी में से सांद्रता कहते हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर, ध्यान रखिए मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, यानी मास ऑफ सॉल्यूट यानी जो सॉल्यूट है उसका मास यदि सॉल्यूशन के पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कैपिटल एस, हमने कहा मास ऑफ सॉल्यूट तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम क्या करते हैं डब्ल्यू से, और किसमें लीटर यानी पर लीटर में से हम डिसॉल्व कर देते हैं, तो ये फार्मूला हमारा इसका निकल आता है। ध्यान रखना डेफिनेशन इतनी कंपल्सरी थी जितना फार्मूला। अब यदि इसी फार्मूले की तुलना मोलरिटी से करें, हम यही लिख लेते हैं एम इज इक्वल टू होता है आपका डब्ल्यू अपॉन एम नॉट इंटू वी एल, तो ये वी एल किसके इक्वल है एस के, तो हमें हो जाएगा एम इज इक्वल टू एस अपॉन एम नॉट, और हमारे पास एस इज इक्वल टू एम इंटू एम नॉट यानी कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एम नॉट, एम नॉट का मतलब क्या होता है मोलर मास। ऐसे करके इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल और न्यू टर्म्स आपको बताएंगे, तो मेरे प्यारे बोर्ड के बच्चे उसका रिवीजन करें, बार बार देखें, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, नमस्कार।